हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल AMK संगीत। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज आपको सिखाने वाला हूँ राग यमन के सैकड़ों गाने आसानी के साथ प्ले करना कैसे सीखें। जी हाँ दोस्तों, राग यमन के गाने यानी कि राग यमन के अंदर बहुत सारे गाने होते हैं, उन सभी गानों को आप किस तरह से प्ले करना सीख सकते हैं अपने हारमोनियम पर, अपने पियानो पर। बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा आपको, कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ आपको राग यमन के नोट्स समझने हैं। केवल उतना सीखने के बाद आप राग यमन के सैकड़ों गाने आसानी के साथ प्ले करेंगे, 100% इस बात की गारंटी है। तो किस तरह से, चलिए दोस्तों सब कुछ आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मध्य सप्तक की पहली काली यानी कि मध्य सप्तक की पहली काली सी शार्प, इस बटन से आपको राग यमन के नोट्स समझ लेने हैं, कुछ नहीं करना है, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिएगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, बस बैक में भी आपको इसी तरह से समझने हैं, सा नी धा पा मा गा रे सा, केवल इतना ही समझना है। और यहाँ पर एक जो जरूरी बात है वो ये समझनी है कि इस राग के अंदर, राग यमन के अंदर जो माँ है वो तीव्र यूज हुआ है, ये वाला यानी कि सा रे गा माँ, ये माँ तीव्र यूज होता है और माँ को तीव्र यूज करने पर ही यहाँ पर ये राग यमन बन जाता है। दोस्तों बताना चाहूँगा ये राग यमन है और राग यमन थाट कल्याण से उत्पन्न हुआ है, इसको हम आश्रय राग भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ गाने आपको प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि राग यमन के स्वर समझने के बाद राग यमन के अंदर हम सैकड़ों गाने किस तरह से प्ले कर सकते हैं। दोस्तों जो मैंने यहाँ पर आपको मध्य सप्तक में स्वर बताए हैं वही स्वर आपको मंद्र सप्तक में समझने हैं, वही स्वर आपको तार सप्तक में समझने हैं, यानी कि तीनों सप्तक में आपको ये स्वर समझने हैं, उसके बाद आपका काम 100% पक्का हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहला गाना देखिएगा, दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे, देखिएगा, दिल देता है, दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। दोस्तों सेम वही राग यमन के नोट्स यूज हो रहे हैं, लेकिन आपको एक बात और समझना होता है, राग यमन के अंदर मोस्टली आपको मेजर कॉर्ड ही यूज करना होता है, यानी कि पहला बटन सी शार्प हमने ये बताया, तो 1, 2 और 3 तीनों बटन एक साथ यूज करने हैं। यहाँ पर आपको ये बटन कोमल का यूज नहीं करना है, ये बटन और शुद्ध का और ये बटन, ये तीन बटन आपको यूज करने हैं, आपका स्केल बन गया सी शार्प मेजर। तो अब देखिएगा इस राग के अंदर, यहाँ से गाना हमने स्टार्ट किया, इसको हमने समाना, दिल देता है, दिल देता है। अब यहाँ पर आपको एक बात फिर से समझना है कि राग हमने समझ लिया लेकिन गाना कैसे निकालें, मोस्टली लोगों का ये सवाल रहता है। राग के नोट्स तो समझ लिए, स्वर समझ लिए, लेकिन गाना कैसे निकालें। दोस्तों जब यहाँ से हमने पहला बोल इसका स्टार्ट किया, इसके स्वर को समझिएगा, अब गाने का पहला बोल पहला शब्द मिलाइएगा, दिल दिल देता है, देखा यहाँ पर स्टार्ट यहाँ से हुआ, लेकिन जो अगले बोल हैं इसकी लय है ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ऊपर जा रही है तो इसके स्वर ऊंची आवाज़ में जा रहे हैं, ये समझना है आपको सिर्फ, दिल देता है रो रो दोहाई किसी से कोई प्यार न करे। यहाँ से हमने गाना स्टार्ट किया और यहीं पर गाने का बोल आ गया। जी हाँ दोस्तों, और गानों का चढ़ाव उतार, गानों की मेलोडी, गाने की धुन सब कुछ समझने के बाद ही आप गाने को प्ले कर सकते हैं, भले ही आप राग के नोट्स समझ जाएं,
लेकिन आपको यहाँ पर ये भी काम करना होता है कि गाने की धुन को समझिएगा, गाने की मेलोडी ऊपर जा रही है या फिर नीचे, कौन से बटन पर कितनी बार हमको रुकना है, कितनी देर तक रुकना है। मेन फंडा एग्जांपल देखिएगा, दिल देता है, यहाँ पर तो हम रुक ही गए, यहाँ नहीं रुकेंगे तो बोल नहीं बैठेगा। दिल देता है, इसके बाद अगला बोल रो 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 दोहाई किसी से कोई प्यार ना करे। दोस्तों जब हम यहाँ पर गाने के कुछ बोल प्ले करना जान जाते हैं राग के अंदर, तो उसके अगले बोल भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स तो सेम वही यूज़ होंगे उसी राग के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये गाना प्ले करके दिखाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दूसरा गाना आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ कि हाँ किस तरह से हम सैकड़ों गाने प्ले करेंगे। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट गाना है वो जब याद आई बहुत याद आई, बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट पॉपुलर गाना है, देखिएगा। वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। दोस्तों लेकिन इस राग के अंदर जब हमने ये गाना प्ले किया है तो यहाँ पर शुद्ध माँ भी यूज हुआ है। ये हमने आपको तीव्र माँ बताया था, लेकिन ये शुद्ध माँ भी यूज हुआ है इस बोल के हिसाब से, क्योंकि जो बड़े बड़े संगीतज्ञ हैं उन्होंने रागों को बनाया है, तो कुछ रागों में कुछ गाने ऐसे दिए गए हैं कि वहाँ पर शुद्ध और कोमल का भी फ़र्क है और तीव्र का भी फ़र्क दिया जाता है। कुछ गानों के अंदर, कुछ बोल के अंदर ही ऐसा होता है, मोस्टली सभी के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर इस बोल के अंदर दिया गया है, वो जब याद आए बहुत याद आए। दोस्तों गाना निकालने की तो सेम वही प्रोसेस है कि आप स्वर को समझिए, उनकी धुन को समझिए, गाने के बोल समझिए, और जब हारमोनियम पर प्ले करें तो उसको साथ में गाइएगा और अपने बटनों के स्वर मिलाइएगा अपनी आवाज़ के साथ, तो डेफिनेटली आप अपने आप गाना निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले बोल देखिएगा इसी गाने के, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। दोस्तों जब इस गाने के हमने अगले बोल बजाए तो वो भी इसी राग के अंदर हैं, कोई भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं है, सिर्फ आपको बोलों का चढ़ाव उतार समझना है, कुछ इसमें कठिनाई नहीं है आपके लिए और आप इजीली गाने प्ले करना जान सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको ये दो गाने प्ले करके दिखाए हैं, इसी तरह से इस राग के अंदर सैकड़ों गाने प्ले किए जा सकते हैं, लेकिन प्ले जब भी किए जा सकते हैं उन गानों को आप पहले सुनिएगा अच्छे से, और सुनने के बाद अपने दिमाग में टच कीजिएगा, उनकी धुन उनकी मेलोडी याद कीजिएगा, उसके बाद आप इजीली प्ले कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल वाले सेक्शन पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें सबसे पहले। दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम एंड अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले, हमें महसूस हो जाए कि हमारे वीडियोस कौन कौन देखते हैं और कहाँ कहाँ से देखते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।